इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द टोटल लुक एंड फील ऑफ एन ऑनलाइन एक्सपीरियंस ठीक है जी बिल्कुल अब किसी भी वेबसाइट का अगर फ्रंट एंड की अगर आपसे बात की जाए तो किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड वो होता है जो आपको सामने की तरफ दिखाई दे रहा होता है यानी कि आपकी स्क्रीन पे जो भी दिखाई दे रहा है वो आपका कहलाएगा उस वेबसाइट का फ्रंट एंड फॉर एग्जाम्पल दोबारा वही डिवोक की हम वेबसाइट खोल लेते हैं तो डिवोक की इस वेबसाइट पे आपको सामने जो भी दिखाई दे रहा है जिसको आप देख सकते हैं और जिसको आप टच कर सकते हैं जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं ये सारी चीजें जो है वेबसाइट के फ्रंट एंड में आएंगी ये सब का सब आपकी वेबसाइट के फ्रंट एंड के अंदर आएगा तो वॉट इज द फ्रंट एंड फ्रंट एंड ऑफ अ वेबसाइट इज एवरीथिंग विच द यूजर कैन इंटरेक्ट और जिसको वो देख सकता है फ्रंट एंड क्या होता है किसी भी वेबसाइट का हर वो चीज जो यूजर को दिखाई दे रही है और जिसको वो टच कर सकता है जिसके साथ इंटरैक्ट कर सकता है ये किसी भी वेबसाइट का फ्रंट एंड कहलाता है अच्छा जी क्रिएटिंग अ अ फ्रंट एंड एक्सपीरियंस इज नॉट वन पर्सन जॉब ये कोई एक बंदे का काम नहीं होता अगर आपने कोई बड़ी कॉम्प्लेक्स वेबसाइट बनानी है तो फ्रंट एंड इंजीनियर्स की पूरी टीम होती है प्रोडक्ट मैनेजर होता है यू आई डिजाइनर होता है वगैरह वगैरह तो ग्रुप ऑफ पीपल मिलके एक फ्रंट एंड किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड बनाते हैं अच्छा इस ग्रुप के अंदर जो होता है फ्रंट एंड डेवलपर्स होते हैं जाहिर सी बात है तो ये बेसिक सा सिंपल था कॉन्सेप्ट फ्रंट एंड का तो वेबसाइट का फ्रंट एंड क्या होता है हर वो चीज जो आपको सामने स्क्रीन पे दिखाई दे रही है हर वो चीज जिसके साथ आप इंटरेक्ट कर सकते हैं ये सारी चीजें फ्रंट एंड के अंदर शामिल है अच्छा जी अब अगर बात की जाए कि फ्रंट एंड को बनाने के लिए किसी भी फ्रंट एंड यानी कि वेब की यूआई बनाने के लिए किन किन स्किल्स की स्किल कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं तो सबसे पहले तो HTML टी एम एल रिक्वायर्ड होता है आपको जिसको हम डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर टू में के क्या होता है उसके बाद आपको सी एस एस होता है सी एस एस को भी हम इंशाल्लाह डिटेल में डिस्कस करने वाले कि क्या होता है और जावा स्क्रिप्ट जो कि उस वेबसाइट के अंदर ब्रेन ऐड करता है जो कि हमारा मॉड्यूल नंबर टू के अंदर टॉपिक है अच्छा अब जाहिर सी बात है कि HTML, CSL, पे आपकी वेबसाइट का फ्रंट एंड डिजाइन हो सकता है लेकिन आजकल जिस चैलेंजिंग वर्ल्ड के अंदर हम रह रहे हैं तो कॉम्पिटिशन जाहिर तो सी बात है फ्रंट एंड को ऑप्टिमाइज करने के लिए हमारे पास जावर स्क्रिप्ट की बहुत सारे फ्रेमवर्क बहुत सारी लाइब्रेरीज मौजूद है लाइक एंगुलर व्यू रिएक्ट जे वगैरह वगैरह ये लाइब्रेरीज क्या होती हैं फ्रेम क्या होते हैं फ वक्तन कॉन्सेप्ट वक्तन क्लियर होता जाएगा और इसको इनशाला हम आगे डिस्कस करेंगे अच्छा जी अब बात करते हैं कि किसी भी वेबसाइट का बैकएंड क्या होता है बैकएंड को डिटेल्ड में हम आगे फर्दर मॉड्यूल के अंदर डिस्कस करेंगे लेकिन अभी सिर्फ समझने के लिए ये देख लेते हैं कि हर वो चीज जो फ्रंट एंड में नहीं आती वेबसाइट की वो बैकएंड होती है हर वो चीज जो फ्रंट एंड में शामिल नहीं है किसी भी वेबसाइट के वो बैक एंड कहलाती है ऑल द थिंग्स विच आर रिलेटेड टू द सर्वर एंड द डेटा बेस आर इंक्लूडेड इन द बैक एंड ऑफ अ वेबसाइट इसको डिटेल में हम डिस्कस करेंगे लेकिन ब्रीफली ये समझ लें कि सर्वर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं सर्वर से रिलेटेड जितनी भी चीजें होती हैं वो सारी की सारी बैक एंड में आती है इसको इस कॉन्सेप्ट को डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे जाके अभी इस बात को यहीं पर रोकते हैं लेकिन अगर आप चाहें तो आप गूगल से या यूट्यूब वगैरह से आप इसकी वीडियोस और आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं आपको फ्रंट एंड और बैक एंड का कॉन्सेप्ट जितना ज्यादा क्लियर होगा उतनी ज्यादा हमारे लिए अच्छी बात है सो वी विल डिस्कस दिस कॉन्सेप्ट लेटर इनशाला अच्छा कुछ पॉइंट्स है जो समझने के लिए हैं कि हर वो वेबसाइट्स जो कि सिर्फ और सिर्फ फ्रंट एंड पे बनी होती हैं जिनका कोई बैक एंड नहीं होता वो वेबसाइट कहलाती हैं स्टैटिक वेबसाइट्स और हर वो वेबसाइट जिनको फ्रंट एंड भी होता है जिनका बैक एंड भी होता है जिनका भी बनाते हैं और जिनको सर्वर से भी कनेक्ट करते हैं वो कहलाती है, so type, ये भी आपको वक्तन फवक्तन और मजीद क्लियर होगा अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी वीडियो है ये लेक्चर नंबर वन इंट्रोडक्शन है तो जो कॉन्सेप्ट आपको समझ आ रहा है वो आप समझते जाएं जो नहीं आ रहा आप उसको सर्च भी कर सकते हैं लेकिन अगर फिर भी आपको समझ ना आए

हाउ टू क्रिएट द फ्रंटैड बैक वेबसाइट अगर मैं आपसे बात करूं कि आजकल कर मार्केट में एक लेटेस्ट स्टैक अवेलेबल है फुलस्टैक के साथ फुलस्टैक की फुलस्टैक जो है हमारा एक लेटेस्ट अवेलेबल है जो मन मनस्टैक इज द लेटेस्ट अवेलेबल स्टैक इन द मार्केट डिपर जो है आपका वेबसाइट का फ्रंट एंड बनाना भी जानता है और बैक एंड बनाना भी जानता है द डेवलपमेंट ऑफ फ्रंट एंड एंड बैक एंड ऑफ अ वेबसाइट अच्छा मंडस्टेक डिवेलपर जो है आपका वो आपका फ्रंट एंड जो बनाता है वो रिएक्ट पे बनाता है रिएक्ट जावर स्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है फिर मैं आपको कह दूं ये सारे कॉन्सेप्ट वक्त के साथ साथ क्लियर होंगे अभी जो जो समझ बता रहा हूं उसको दिमाग में बिठाते जाएं आस्ता आहिस्ता सारे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे रिएक्ट जावास्क्रिप्ट की एक लाइब्रेरी है फ्रंट एंड इंजीनियर जो कि जोस्ट डेवलपर है वो रिएक्ट पे आपका फ्रंट एंड बनाता है वेबसाइट पे और नोट जी पे आपका बैकहेंड बनाता है और मोंगो डीबी यूज करते हुए आपका डेटाबेस क्रिएट करता है ये डेटाबेस क्या होता है बैकहेंड क्या होता है सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे एक बात समझने की ये है अच्छा ये देखें यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया लैंग्वेजेस यूज्ड बाय द मंडस्टेक डेवलपर फॉर फ्रंट एंड the mun stack developer used the react whereas for the back end the mun stack used node js and express frameworks and the MongoDB for creating the database node js or express back end banane ke liye aur database banane ke liye MongoDB. db acha ab पॉपुलर लैंग्वेजेस कौन सी हैं हमारे पास बैकहेंड बनाने के लिए Infinite number of languages हमारे पास मौजूद है Python. यानी कि जेंग, जेंगो फ्रेमवर्क से पाइथन पढ़ के जेंगो फ्रेमवर्क से आप उसका बैकएंड बना सकते हैं किसी भी वेबसाइट का नोट जीएस जो कि जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी और मंडस्टैक इंजीनियर यूज करता है इसकी मदद से आप बैकएंड बना सकते हैं और पीएचपी और मल्टीपल लैंग्वेजेस से आप बैकएंड बना सकते हैं यहां पे हमारा लेक्चर नंबर वन एंड हो रहा है लेकिन जाते जाते मैं आपको एक असाइनमेंट देता हुआ जाऊंगा आपने इंटरनेट और यूट्यूब पे जाना है और सर्च करना है कि फ्रंट एंड क्या होता है किसी भी वेबसाइट का बैकएंड क्या होता है किसी भी वेबसाइट का स्टेटिक वेबसाइट क्या होती है डायनेमिक वेबसाइट क्या होती है सर्वर क्या होते हैं और किसी भी वेबसाइट का वर्किंग मैकेनिज्म क्या होता है इस तमाम कॉन्सेप्ट को आपने क्लियर करने की कोशिश करनी है जितनी बार समझ आए वो ले लें जो ना समझ आए उसको छोड़ दें इनशाला इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अपने लाइव सेशन में ओके जी थैंक यू अल्लाह हाफिज